फांसी दो बिल किस बानों के बलात्कारियों को। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। वो बिचारी औरत जो 5 महीने पेट से थी, उसकी 3 साल की बच्ची थी, 3 साल बच्ची के साथ भी बलात्कार किया। मैं सरकार से या सभी जो लोग इसके अंदर शामिल नहीं उन लोगों से सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर वो आपकी माँ बहन रहती थी तो आप लोग ऐसे शांत बैठते थे? और जिस सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है, वो सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसके साथ कितना बुरा हुआ, उनके सदस्यों को मारा गया। बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार हुआ, उसका 11 लोगों ने बलात्कार किया, उसकी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके सामने उसके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। चौरस्ते पे लाके दिल्ली इंडिया गेट के ऊपर लाके उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले इस तरीके की ज़हनियत रखने वाले लोगों को समझ में आए कि अगर इस तरीके की घटना हो तो यहाँ का कानून इतना सख्त है कि उन्हें फांसी की सज़ा चौरस्ते पे लाके दी जाती है। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी घटना घटी है जिससे पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो चुका है, पूरा मुल्क शर्मसार हो चुका है। और वो घटना घटी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त के दिन, जो 2002 के अंदर गुजरात फसादात के अंदर बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार हुआ, उसका 11 लोगों ने बलात्कार किया, उसकी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके सामने उसके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे दंगाइयों के ऊपर, ऐसे कमीने लोगों के ऊपर जब कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, तो उस वक्त उनको आजीवन कारावास की सज़ा जब सुनाई गई, जब से लेके ये स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अभी तक के वो आजीवन कारावास की सज़ा भोग रहे थे, मगर गुजरात सरकार की ये बीजेपी सरकार जो है, गुजरात की बीजेपी निकम्मी सरकार, ये निकम्मी सरकार ने उन्हें माफ़ीनामा दे दिया अच्छे व्यवहार के कारण। उनका ऐसा कौन सा अच्छा व्यवहार था? उनका क्या ऐसा व्यवहार था कि कोई देश के बॉर्डर के ऊपर जाके उन्होंने जंग लड़े? ऐसा उनका कोई व्यवहार नहीं था, मगर उनको बीजेपी सरकार ने एक मुद्दा बनाते हुए इलेक्शन का उनको सामने रखा और उन्हें माफ़ीनामा दे दिया गया। और सबसे बड़ी शर्मसारी इस बात पे हुई कि वो जब बाहर आए तो उनको फूल हार पहना के, उनको मिठाई खिला के, उनके पैर छू के लोगों ने सत्कार किया, स्वागत किया। मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की घटनाएं इस मुल्क में होती रहेंगी तो हिंदुस्तान में कोई महिला या कोई बेटी या कोई बहू अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकती। अगर महिलाओं की सुरक्षा आप चाहते हैं तो सबसे पहले ये बिल्किस बानो के हत्यारों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सबसे पहले उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए और चौरस्ते पे लाके दिल्ली इंडिया गेट के ऊपर लाके उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले इस तरीके की ज़हनियत रखने वाले लोगों को समझ में आए कि अगर इस तरीके की घटना हो तो यहाँ का कानून इतना सख्त है कि उन्हें फांसी की सज़ा चौरस्ते पर लाके दी जाती है। हमारी मांग यही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर बिल्किस बानो के जो बलात्कारी है उनको सज़ा नहीं होती, उनको वापस से जेल में नहीं डाला जाता, तो समाजवादी पार्टी इसके लिए तीव्र आंदोलन करेंगी, रेल रोको आंदोलन करेंगी। और हमारी मांग एक ही है कि इन्हें जल्द से जल्द जेल के अंदर डाला जाए और पहले जेल में थे अभी वापस डाला जाए और इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। अभी हाल ही में जो है तो हैदराबाद के MLA राजा सिंह ने जो है तो नदी के शांति है, जो बार बार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा। देखिए, जब जब हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन कहीं भी आता है, कहीं भी अगर इलेक्शन का मौका आ जाता है तो बीजेपी जो है इस तरीके की हरकत करती है। राजा सिंह के खिलाफ में समाजवादी पार्टी ने परसों के दिन ही सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज करी है और जो केसेस हैदराबाद के अंदर बुक नहीं हुए वो यहाँ किए गए हैं। 295, 295A, 298 और 153A, ये 5 केसेस उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं परसों के दिन ही सिटी चौक पुलिस स्टेशन में। क्या मांग की गई है? उसमें मांग यही की गई है कि ऐसे जो नबी की शान में गुस्ताखी करते, बार बार मुसलमानों को टारगेट करके उनके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपशब्द बयान करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एक कानून बनना चाहिए UAPA के तहत, या जिस तरह के 18 सिटी का एक कानून होता है उस तरीके का एक कानून बनना चाहिए। और उस कानून के तहत अगर किसी ने नबी की शान में गुस्ताखी की या फिर किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ बदगुमानी किया,
अपशब्द कहे तो उसे फौरन UAPA के तहत या फिर MBTA के तहत या फिर अट्रासिटी के तहत उसे फौरन अंदर डाल देना चाहिए। मैडम आप एक महिला हैं तो इस महिला के तौर पर इस पूरी घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? महिला के साथ अगर अत्याचार हुआ है तो हम कैसे सहन करेंगे? फिर बोला जाता है कि देश की बेटी, जब वो हम देश की बेटियां हैं तो जिनके साथ अत्याचार हुआ तो वो देश की बेटी नहीं है क्या? और वो गुजरात की ही रहने वाली है, कोई बाहर की नहीं रहने वाली है। और गुजरात सरकार ने ही जिन 11 लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया, उनके साथ बलात्कार किया, उनको गुजरात की सरकार ने ही छोड़ दिया। जेल में रहने के बाद 15 अगस्त के दिन कहा जाता है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जेल में रहकर, बहुत अच्छे बड़े बड़े तीर मारे हुए हैं, उनको छोड़ दिया सरकार ने। अरे काय के क्या करे उन्होंने? वो बिचारी औरत जो 5 महीने पेट से थी, उसकी 3 साल की बच्ची थी, 3 साल बच्ची के साथ भी बलात्कार किया। मैं सरकार से या सभी जो लोग इसके अंदर शामिल नहीं है उन लोगों से सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर वो आपकी माँ बहन रहती थी तो आप लोग ऐसे शांत बैठते थे? और जिस सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है वो सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसके साथ कितना बुरा हुआ, उनके सदस्यों को मारा गया। आज हमारा सभी महिलाओं से पूरे देश से एक ही कहना है, रोड पे उतरो और एक ही बात कहो कि जैसा बिल्कुल जवानों के साथ हुआ है अत्याचार, जिन लोगों ने किया है, जो 11 लोगों को छोड़ा गया है, वो लोगों को फिर से जेल में डालो और उनको फांसी दे दो। एक ही मांग है हमारी समाजवादी पार्टी की भी और पूरे देश की यही मांग रहेगी कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। समाजवादी जुल्म और ज्यादती आसमान पर है, भाईचारा शर्मसार है, माँ बहनों की इज्जत सड़क पर है, यही तो मोदी सरकार है। आज गुजरात का वो वैशाना फसाद याद कीजिए, 2022 को, 2002 को जब गुजरात में 10,000 लोगों को काटा पीटा गया तो इस देश की नाक पूरे दुनिया में नीचे हुई। और उस वक्त जिन्होंने गुंडागर्दी की थी आज वो मंत्री बनकर बैठे हैं, सफ़ेद पोश बन के बैठे हैं सत्ता के बलबूते पर। और मैं तो ये कहूँगा EVM के बदौलत वो आज बैठे हैं, लेकिन कब तक बैठेंगे? आज बाबरी मस्जिद टूट गई, हम बर्दाश्त किए, साध्वी प्रज्ञा सिंह को छोड़ा, हमने बर्दाश्त किए, लेकिन बहन बिल्किस बानो के ऊपर जो 11 नारा धमनों ने बलात्कार किया था उनको आपने रिहा किया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जुल्म जब जब जालिमों के हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो फिर अदालतों में कौन जाएगा? इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कहाँ गए वो सेकुलर लोग? कहाँ गए वो बुद्धिजीवी लोग? कहाँ गए वो गांधी जी के अहिंसा को मानने वाले लोग? कहाँ गए वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के घटना को मानने वाले लोग? आज खुले खुले तौर पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के घटना का उल्लंघन किया जा रहा है ये जातिवाद सरकार में। मैं पूछना चाहता हूँ किस जगह पर जाकर छुपे हुए लोग, आइए सड़कों पर उतरिए। और वो बहन, वो उसको एक नज़र से मत देखिए कि वो मुसलमान है, उसको दूसरी नज़र से भी देखिए कि उस मुल्क की रहने वाली है, वो एक औरत है और उसके ऊपर बहुत वहशियाना तरीके से उसके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की गई। जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, 5 महीने की गरोदर थी, हामेला थी, उस वक्त 11 वहशी जानवरों को भी शर्म आना चाहिए, ऐसे इंसानों ने उसके ऊपर बलात्कार किया। और ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसी के नज़रों के सामने 3 साल के बच्चे को कत्ल किया, उसके परिवार को कत्ल किया। उसके बाद भी ये बाइज्जत अगर बरी होते हैं तो इस मुल्क के अंदर ये शर्मसार होने से और कोई दूसरी घटना नहीं हो सकती। इसलिए आज समाजवादी पार्टी ने ये धरना आंदोलन रखा है हमारी महिलाओं की अध्यक्षता प्रीति दुबे मैडम की अध्यक्षता में, ताकि बहन बिल्किस को न्याय मिलना चाहिए और उन 11 बलात्कारियों को फिर से सजा होना चाहिए और फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। जब तक वो फिर से अरेस्ट नहीं होंगे समाजवादी पार्टी अपना धरना आंदोलन इसी तरह करते रहेंगी। और ये आवाज़ ये यहीं तक नहीं रुकेगी बल्कि बम्बई के असेंबली में हमारे नेता माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब दहाड़ेंगे और दिल्ली में हमारे खासदार संसद में दहाड़ेंगे। ये आवाज़ यहीं पर नहीं रुकेगी, ये आवाज़ जब तक चलेगी जब तक हमारी बहन बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिलेगा।
आपका पूरा नाम बोलिए। शेख अब्दुल रऊफ, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी।